Hare Nama Eva Kevalam Kalo Nasteva 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 Gatiranyata. प्रणाम सभी भक्तों की जय हो। और आज का विशेष जो है दिन है दीपावली महोत्सव, तो हरे कृष्णा डिवोटीज के लिए तो हर दिन जो है दिवाली का दिन रहता है वैसे, लेकिन वैसे वास्तविक में जो है जगत में रहते हुए जो है सब जो है ये त्योहारों का भी जो है महत्व है। तो आज है विशेषकर जो है बड़े भाग्य का विषय है मेरे लिए, सौभाग्य कि मैं जो है मुझे जो है श्रीमद् भागवतम का अध्ययन और आप भक्तों के साथ साक्षात करने का आज मौका विशेष मिला है दीपावली के दिन। और आज के श्लोक में भी लक्ष्मी माता जी का वर्णन है और वहाँ बरहा का वर्णन है और उसके अंतर्गत जो है दिन भी बड़ा अच्छा है और पूरे जगत में जो है दीपावली मनाई जा रही है। लक्ष्मी माता की जय। तो आइए आज का जो है श्रीमद् भागवतम जो है कथा शुरू करते हैं भगवान की दया से और सब आपके भक्तों के आशीर्वाद से। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयं मुदीरये। नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्ट की। श्रृणवतां स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयंतस्तो हि अभद्राणि विधुनोति श्रोत्रतां निगमकल्पतरुप्रवलितं फलं सुखमुखाद अमृत द्रव्य संयुक्तम श्रीबल भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भाव। तवे पुंसां परो धर्मो यथो भक्ति यथो जजे अहेतुकी ही प्रतिहता ययात्मा सुप्रसीदति। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्य श्रवण मात्रेण हरिचित्तं समाश्येत् जन्म ऐश्वर्य श्रुत श्रीभिदमान मद पुमान प्रियभिदातुं वै त्वां किंचन गोचरन् समाशिता ये पदपल्लव प्लवम महत्पदम पुण्य यशो मुरारे भवाम बुधर्वस्त पदम परम पदम 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 यत विपदान्नते श्याम अहो भाग्यम अहो भाग्यम नंद गोपर्वजो कसाम यन मित्रम परमानंदम पूर्ण ब्रह्म सनातनम ग्रहेषु विशितां चापि पुंसां कुशलकर्मणां बलवार्ता यातयामानां न बन्धाये ग्रहामता। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा समस्त भक्तों की जय हो और श्रीमद् भागवतम पाठ की जय हो। सब भक्तों आचार्यों को नमस्कार करते हुए आज का जो है ये शुभ जो है अवसर श्रीमद् भागवतम अध्ययन करने का शुरू करते हैं और विशेषकर जो है आज जो है श्लोक संख्या है 3.14.50। तो क्रमांक से देखा जाए तो हमें एक अध्यात्म का विषय भी जो है जागृत होता है। 3 से जो है ब्रह्मा विष्णु महेश और
कृष्ण बलराम सुदामा। गांधी बनी आश्रम उज्जैन है जहां पर भगवान श्री कृष्ण सुदामा बलराम जी ने अध्ययन किया था। 64 कलाओं का जो है भगवान सांदीपनी गुरु से उन्होंने जो है गुरु पर भगवान श्री कृष्ण को तो अध्ययन करने की जरूरत नहीं है, वह स्वयं परम पिता परमात्मा पुरुषोत्तम है, अनादि आदि कारण है वो तो, लेकिन गुरु परंपरा होना चाहिए। गुरु और शिष्य का समन्वय सामंजस्य इसके पूरे इनकी ब्रह्मांड को इनकी जगत को बताने के लिए उन्होंने सांदीपनी ऋषि से 64 कलाओं का अध्ययन किया। तो कृष्ण बलराम सुदामा का जो हमें अध्यात्म के विषय में याद आता है, जगन्नाथ बलदेव सुदामा सुभद्रा। राम लक्ष्मण जानकी, जय बोलो हनुमान की। तो इस तरह जो तीन जो क्रमांक है उससे जो है हमें भांति भांति के जो है अध्यात्म विषय जरूर याद आते हैं, भले क्लास में क्रमांक हो लेकिन उनका भी महत्व होता है। जैसे तीन ताप हैं, आदि भौतिक आदि दैविक आध्यात्मिक, तीन गुणों से जो है पूरे जीव जो है इसमें जो है जगत में चल रहे हैं, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण। तो इस तरह जो है ये क्रमांक जो है विशेष महत्व रखते हैं। और फिर आता है 3.14, आज का अध्याय है 14 चैप्टर, और 14 से याद आता है कि 14 भुवन। सतलोक तपोलोक जनलोक महलोक ध्रुवलोक सिद्धलोक पृथ्वीलोक, फिर नीचे फिर दूसरे 7 लोक हैं, अतल लोक वितल लोक ततल लोक तलातल लोक महातल लोक रसातल लोक पाताल लोक, ये 14 भुवन। श्रीमद् भागवतम के अंदर जो है मेरे ख्याल से ये दिस कम्स इन द डिफरेंट कैंटो अबाउट दिस 14 जो है 5th चैप्टर के में विशेष बताया गया है, भू भूवर वस्वर महर गण तप सत्य तल अतल वितल। इस तरह जो है श्रीमद् भागवतम में 5th कैंटो में इसका वर्णन किया गया है। तो 3.14 और फिर आता है 50, श्लोक संख्या 50। 50 से 49 मरुतों का तो ध्यान आता है, मरुत जो है, लेकिन एक विशेष जो है शब्द क्रमांक है एक से मिला 49। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हम सर्वस्य प्रभो मत सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुद्धः भाव समन्विता। तो एक जोड़ दिया अपन ने, न चलो हो गया 50। और 50 वर्ष की आयु आते आते व्यक्ति को जो है जीवात्मा को विशेषकर जो है भगवान की भक्ति में लग जाना चाहिए, लेकिन ये जो पड़ाव जो है अंतिम पड़ाव जीवन का रहता है धीरे धीरे, जैसे हमें बताया गया है कि 4 आश्रम हैं, ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास। तो ये जो 50 की उम्र आते आते जो है व्यक्ति को जो है जागृत विशेषकर होना चाहिए। वैसे तो कौमार आचरत पाग्यो, प्रहलाद महाराज कहते हैं कि भाई कौमार अवस्था से जो है भगवान की भक्ति करना शुरू कर देना चाहिए, जैसे भक्ति लता बीज जो है शने शने जो है जिसको हम संचन करते जाएंगे तभी जाके आगे जाके हमें वो सहायता करेगी भगवान की भक्ति करने में। तो कौमार आचरत प्राग्ञ तो होना चाहिए कौमार अवस्था से ही, लेकिन 50 वर्ष का जो है जो है 50वां जो है ये क्रमांक है एक चेतावनी जरूर देता है कि भगवान की भक्ति में जरूर लगे, क्योंकि अंत काले च मामेव स्मरण मुक्ता कलेवरम। ये जो है अंत समय में जो है जब कलेवर छूटेगा उस वक्त भगवान की ही याद आना चाहिए। तो इस तरह जो एक क्रमांक को जो हमने अध्ययन कर लिया है, चलो आते हैं आज का श्लोक पढ़ लेते हैं और शब्दार्थ पढ़ लेते हैं, अनुवाद पढ़ लेते हैं और तात्पर्य पढ़ लेते हैं। श्रील प्रभुपाद जय। तो श्लोक संख्या है 50, स्कंद है 3, अध्याय है 14, श्लोक संख्या 50। अंतः बहिः च अमलम् अब्जनेत्रम् प्रपुरुष इच्छा अनुग्रहित रूपम् पौत्र
तव श्रीललनालमम् द्रष्टास्फुरतकुण्डल मण्डित आननम् अन्तर्ब्रहिश्चामलं पञ्च नेत्रं सपुरुषेच्छानुग्रहितरूपं वक्रस्त्ववशीललनालमम् द्रष्टास्फुरन्तकुण्डलं मण्डितानम् अंतः अंदर बहि बाह च वि अमलम निर्मल अब्ज नेत्रम कमलनयनन कमलनयन स्वपुरुष अपने भक्त इच्छा अनुग्रहित रूपम अपनी इच्छा से रूप ग्रहण करने वाले पौत्र पौत्र तव तुम्हारा श्री ललना स्वभाव के भी सौंदर्य मंडित देवी ललामम अलंकृत दृष्टा देखेंगे स्फुर्त कुंडल प्रकाशमान प्रणाम भूषणों द्वारा मंडित अलंकृत आननम मुख तुम्हारा पौत्र उन श्री भगवान के अंतर और बाह्य को देखने में समर्थ होगा जिनकी पत्नी सौंदर्य मंडिता सौभाग्य की देवी श्री लक्ष्मी है। वे अपने भक्त द्वारा अभिप्रेत स्वरूप ग्रहण कर लेने में समर्थ है और उनका मुखमंडल सदैव कुंडलों से बड़ी सुंदरता से अलंकृत रहता है। कुंडल शशंक चक्रम सकीरट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसी रुखे क्षणम प्रहार वक्षतल कौतुम भक्ष्म नमामि विष्णु शीर्षा चतुर्भुजम। इसमें विशेषकर कुंडल जो शब्द आया उससे जो मुझे श्लोक याद आया शशंक चक्रम सकीर्ण कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसी रुहेश्वरम सहार वक्ष मामि विष्णु शीर्षा चतुर्भुजम। तो आइए आज के श्लोक का जो है गुरु परंपरा के अंतर्गत सब गुरुओं प्रणाम करते हुए ओम अज्ञान निरंदस्य ज्ञानंजना शलाकया चक्षुर अमृतमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप पदामयं ददाति सदान्तिकम् वन्देहं श्री गुरु श्री युधपदकमलं श्री गुरुन्दाश्वांश्च श्री रूपं सागरजातं सहगणा रघुनाथान्वितं कांसजीवं सारवेतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं वीराधा कृष्णपादां सहगणललिता शीर्षार्थान्विताश्च नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनाम्ने नमस्ते सरस्वतीदेवे गौरवाणि विचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेमपदाय ते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरवस्य नमः नमो वमनाय देवाय गोब्रह्मणाय हिताय च जगत्ताय कृष्णाय गोविन्दाय नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते भूपेश भूपिका कांत राधा कांत नमस्ते तत्पतांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुस्ते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमं वन्दे श्रीगुरुं दीनदारणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यईश्वरं हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो इस तरह जो है भगवान के दिव्य जो है मंगलाचरण करते करने से भगवान हमें थोड़ी ब्लेसिंग्स मिलती है और उन सब भक्तों और गुरु परंपरा के अंतर्गत सबकी ब्लेसिंग देते हुए आज के श्लोक का हम अध्ययन करते हैं कि भाई विदुर और मैत्रेय ऋषि का संवाद चल रहा है ये तीसरे स्कंद में। और हम भलीभांति परिचित हैं कि गुरु जो है बहुत ही ज्ञानवान और विद्वान थे और उनकी जो उत्कंठा थी भगवान के विषय में बारंबार सुनने की और उन्होंने जो है मैत्र ऋषि से समापन किया और किस तरह जो वो प्रश्न पूछते जा रहे हैं
और यहाँ पर विशेषकर वर्णन हो रहा है कि दिति और कश्यप जो है, जब उन्होंने एक असमय में जो है, जहाँ पर दिति ने कोशिश की थी, मतलब काफी चेष्टा की थी, एक समय जो प्रॉपर नहीं था और उसमें जो है उसके द्वारा जो ये पुत्र जो है उनके बड़े पैदा होते हैं हिरण्यकश्यप को, हिरण्याक्ष, असमय जो है ये फल जो है, तो आगे जाके ये कहा जाता है कि उनका जो है उनमें से जो पौत्र प्रहलाद महाराज जो पैदा होंगे उनके बारे में विशेष वर्णन किया गया है। वो जब वो ये जो है घटना होने के बाद जब बीबी को पश्चाताप होता है और उसके बाद जो है उन्हें जो है ये कहा जाता है कि भाई अभी आप जो है ये पश्चाताप कर रहे हैं, तो पश्चाताप करने के परिणाम स्वरूप जो है आपका जो है पौत्र उन भगवान, आपका तुम्हारा पौत्र उन भगवान के अंतर बाह्य को देखने में समर्थ होगा जिनकी पत्नी सौंदर्य मंडिता सौभाग्य की देवी श्री लक्ष्मी है। और देखिए इसमें लक्ष्मी माता जी का वर्णन है और आज जो है पूरे ब्रह्मांड में, पूरे जो है दुनिया में है, विशेषकर भारतवर्ष में लक्ष्मी पूजा दिवस भी है, तो ये बड़ा ही अच्छा ही एक अच्छा अवसर मिला है लक्ष्मी देवी को प्रणाम करने का। और लक्ष्मी देवी का भी जो है एक विशेष जो है हमारे आचार्यों ने मतलब बताया है कि जिन्होंने नारायण शरण नहीं ली है, नारायण भगवान श्री कृष्ण की शरण नहीं ली है और लक्ष्मी प्राप्त कर ली है, जो लोग अभक्त हैं चलो ठीक है काफी लक्ष्मी है भगवान के कृपा, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि भगवान की भक्ति न करने के कारण वो लक्ष्मी जो है दुलत्ती मार के चली जाती है। और जिनके जो भगवान के भक्त हैं, भगवान नारायण को, लक्ष्मी नारायण को पूजते हैं, लक्ष्मी माता को पूजते हैं, लक्ष्मी नारायण को पूजते हैं, तो भगवान फिर जो है वो लक्ष्मी वहां पर ठहरती है। वो तो भगवान स्वयं जो है भगवत गीता में कहते हैं कि अनन्य चिंतन तो माम ये जना पूरी पास नित्य भीता नाम योग क्षेम वहां हम But those who always worship me exclusively with devotion, meditating on my transcendental form, to them I carry what they lack and appease what they have. लक्ष्मी माता जी का जो यहाँ पर वर्णन आया है कि उनकी सौंदर्य मंडिता सौभाग्य की देवी श्री लक्ष्मी है और आज विशेषकर लक्ष्मी पूजन के दिवस देव लक्ष्मी जी का वर्णन आया है। एक बार पुनः लक्ष्मी माता जी को प्रणाम। वे अपने भक्त द्वारा अभी प्रेत स्वरूप ग्रहण कर लेने में समर्थ हैं और उनका मुखमंडल सदैव कुंडलों से बड़ी सुंदरता से अलंकृत रहता है। शिशिर चक्रम सकट कुंडलम सभी वस्त्रम सर्वशीर्षं तारवशलकौशलशमान विष्णु शीर्षाशद्रुवं शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगिहृदयानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। इस श्लोक में भी जो है लक्ष्मीकांत, लक्ष्मी भगवान, लक्ष्मी माता जी का सॉरी क्षमा करें वर्णन हुआ है। तो इस श्लोक से जो है हमें जो एक ये जिज्ञासा और ये अंतर्मन में एक उत्कंठा उठती है, प्रहलाद महाराज जो है स्वयं जो है उनका जो है जन्म, उनको जब जन्म के पहले जो है अपने माता के गर्भ में है, तो नारद मुनि के द्वारा जो है उनका जो है उनको नारद मुनि कथा सुनाते थे, वो सुनते थे, तो जन्म के पहले ही ये उन्हें जो है गर्भावस्था के अंदर जो है ये ज्ञान का, भगवान की भक्ति का जो है ये सौभाग्य प्राप्त हुआ। और इस तरह ये यहाँ पर कहा गया कि भाई वो अंदर से और बाहर से भगवान को देखने में समर्थ होगा। तो इसके लिए हम लोगों जो हम जो जीवात्मा भटक रहे हैं पूरे
दुनिया में और सब जगत में बहुत सागर में, तो हमें जो भगवान की जो एक तनिक थोड़ी सी भक्ति मिल जाए तो उसके लिए हमें गुरु परंपरा से जुड़ना पड़ेगा, एक बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर की शरण लेनी पड़ेगी, भक्तों का संग करना पड़ेगा जो शाश्वत सनातन। पद्म पुराण में लिखा गया है कि भाई इन वैष्णव भक्त जो ये भक्त होते हैं वास्तव में जो भगवान की भक्ति की तरफ ले जाते हैं, उन वैष्णव भक्तों के दर्शन मात्र से जो है जीव का कल्याण हो जाता है। और ये वैष्णव भक्त अपने शरीर को अलंकृत करते हैं, ओम केशवाय नमः, ओम नारायण नमः, ओम माधवाय नमः, 12 तिलक लगाते हैं अलंकृत, और फिर 12 तिलक और भी जो है पूजा पाठ में अलंकृत करते हैं। इन वैष्णव भक्तों के संग से उस जीवात्मा का भला होता है जो उनके संपर्क में आते हैं। गुरु परंपरा में जुड़ने के बाद जो है चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि, महादावाग्नि जो संसार की है, चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग निर्वापनम शेख अर्व चंद्रता वितरणम विद्या वधु जीवनम आनंदाम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामत स्वादनम सर्वात्मा स्नपनम परम विजयते श्री कृष्णा संकीर्तनम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता नियमिता स्मरण एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्लभम् ईदृशं जानिनानुरागनादपि सुनीचेनातौ अपि सहिष्णुना अमानिना मानदेना कीर्तनीया सदा हरि। इस तरह जो है जब वो हम भक्तों के संपर्क में आएगा, गुरु परंपरा से जुड़ेगा, एक बोनाफाइड गुरु बनाएगा, तो उसका मार्ग जो निश्चित होगा, प्रशस्त होगा, क्या बोलते हैं उसको इंग्लिश में, पेव द वे, वो रास्ता बनेगा। और फिर जो है उस जीवात्मा का जो है ये जो है भाग्य खुलेगा, तभी वो भगवान की भक्ति में अनुरक्त होगा। जिस तरह हम ये प्रहलाद महाराज के जब वर्णन से हमें प्रेरणा मिलती है कि प्रहलाद महाराज जो है स्वयं जो है यहाँ भविष्यवाणी की गई है कि बीते के पौत्र प्रहलाद महाराज भगवान को ध्यान के द्वारा केवल अपने भीतर ही नहीं देखेंगे अपितु वे अपनी आंखों से उनके विग्रह का दर्शन देने करने में समर्थ होंगे। यह प्रत्यक्ष दर्शन केवल उन्हीं के लिए संभव है जो श्री कृष्ण भावना में बहुत उच्च स्थान प्राप्त कर चुके हैं, क्योंकि इन चर्म चक्षुओं से परमेश्वर श्री कृष्ण का दर्शन करना संभव नहीं है। भगवान के कृष्ण बलदेव संकृष्ण अनिरुद्ध प्रद्युम्न वासुदेव नारायण राम नरसिंह वराह वामन जैसे अनेकानेक शाश्वत रूप हैं, जो भगवान के भक्त उन सब विष्णु स्वरूपों को जानते हैं। तो देखिए ना, ये जो है वास्तव में पढ़ने के बाद हमें ये ज्ञात होता है कि हम अपने शरीर को भी अलंकृत करते हैं भगवान के दिव्य नामों के द्वारा। ओम केशवाय नमः, ओम नारायण नमः, माधवाय नमः, ओम गोविंदाय नमः, ओम विष्णुवे नमः। तो ये सामान्य व्यक्ति को ये भौतिक जगत में नहीं मालूम है, जब तक वो कृष्ण भावना भावित भक्तों के साथ संगति करेगा तभी ये विस्तृत जो है भगवान के अनंत लीलाएं हैं, अनंत यहां तक कि अंगीरा वशिष्ठ अत्रि पुलह क्रतु बड़े बड़े जो भगवान के दिव्य जो भक्त हैं वो भी कहते हैं कि भाई भगवान के बारे में हमें बहुत बहुत कम मालूम है, भगवान की लीलाएं इतनी अनंत है, इतनी विशाल है कि। तो ये तभी संभव होगा ये जानने के लिए, एक एक ऐसा जो इंटरेस्टिंग विषय बनेगा जब वो भक्त उसमें रुचि लेगा। तो हरे कृष्णा महामंत्र में ऐसी शक्ति है कि हरे कृष्णा महामंत्र जपने से स्वतः जो है ये जीते जीते जो है धीरे धीरे जो अभद्र हैं, शरीर के अभद्र हैं अपने शरीर में छाए हुए, वो धीरे धीरे धुलते हैं और क्रमशः हमें भगवान की अनेकों लीलाओं के बारे में जो है पता पड़ता है और उसमें भक्त जो है
आनंदित होता है। मत चित्ता मत गुत्राणा बोधयंत परस्परम कथयंत शमा नित्यम तुष्यंती च रमंती च। तो प्रहलाद महाराज इतने उच्च मतलब स्तर के भगवान के मतलब भक्त थे, उनका वर्णन किया गया है। और उसी तरह अलग अलग वर्णन किया गया है भगवान के दिव्य अवतारों का। तो इसी तरह भगवान कृष्ण से नारद जी ने पूछा, अर्जुन ने पूछा कि भगवान आपका वो कौन सा मंत्र है जिसमें अश्वमेघ यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है, ये 24 अवतार उसका नाम आता है। और आज के श्लोक में भी कहा गया है कि राम नरसिंह वराह वामन जैसे, तो वराह वामन का जो नाम आया है भगवान के दिव्य नामों का अवतारों का, तो मुझे एक श्लोक जो है स्मृत हुआ अभी अभी, तो इसमें वराह वामन मत्स्य के बारे में विशेषकर बताया गया है कि मत्स्यम पूर्वम वराहम च वामनम च जनार्दनम गोविंदम पुंडरीकाक्षम माधवम मधुसूदनम पद्मनाभम सहस्रक्षम वनमालिम हरायुधम गोवर्धनम ऋषिकेशम वैकुंठम पुरुषोत्तमम विश्वरूपम वासुदेवम रामम नारायणम हरिम दामोदरम। दामोदर दामोदर मेला चल रहा है, तो दामोदर का भी नाम इस श्लोक में आता है। दामोदरम रामम नारायणम दामोदरम अनंत कृष्ण गोपालम जप्तो नास्ति पातकम गवां कोटि प्रदाननस्य अश्वमेघ शतस्य च कन्यादान सहस्राणां फलं प्राप्ति मानव च अमायां वपनमास्यायां एकादश्यां तथैव च संध्या काले स्मि नित्यं प्रातः काले तथैव च मध्याह्ने च जप नित्यं सर्व पापे प्रमुच्यते। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो विशुद्ध भक्त भगवान के शाश्वत रूपों में से एक के साथ सुख संकट हो जाते हैं और भगवान उनके द्वारा के द्वारा अभिप्रेत रूप में उसके सामने प्रकट होकर प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। उसी तरह ध्रुव महाराज का चरित्र मिलता है। ध्रुव महाराज का चरित्र जैसे उन्होंने जो है बोला कि भाई मुझे अपने पिता के ज्यादा जो है बड़ा सिंहासन चाहिए, राज्य चाहिए, लेकिन जब भगवान के दर्शन मिलते हैं उनको तो वो मन में सोचते हैं कि भाई मैंने क्या इच्छा की थी। तो संसार की कितनी भी भौतिक चीजें प्राप्त कर ली जाए और जो यो आनंद जो है भगवान के शाश्वत नामों में है, भगवान के दिव्य दर्शन में है, तो ध्रुव महाराज को प्रतीत हुआ कि भाई मैंने भगवान से क्या ये कांच के टुकड़े मांगे। भगवान के दिव्य दर्शन जो है भक्त भगवान के स्वरूप के संबंध में किसी प्रकार की मनमौजी कल्पनाएं नहीं करता है, मंडेन इंटरप्रिटेशन या परसेप्शन, क्या बोलते हैं इंग्लिश में परसेप्शन और ओपिनियन। और वह न तो सोचता है कि भगवान निर्विशेष है। अभक्त को भगवान के स्वरूप के संबंध में कोई अनुमान नहीं होता और इसलिए वह उपर्युक्त स्वरूप में से किसी के संबंध में कुछ सोच नहीं सकता। किंतु जब कोई भक्त भगवान को देखता है तो वह उनको अत्यंत सुंदरता के साथ अलंकृत रूप में अपनी शाश्वत सहचरी सौभाग्य की देवी लक्ष्मी के साथ देखता है। तो शाश्वत सौंदर्य में ही है। तो देखिए ना आज कैसे सौभाग्यवश जो है ये श्लोक जो है का अध्ययन करने को मिला है और उसमें लक्ष्मी माता जी का विशेष जो है देवी लक्ष्मी का वर्णन किया गया है। और लक्ष्मीकांतम कमलनयनम योगी विरधानगम्यम वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। तो तात्पर्य में भी जो है अच्छे से बताया गया है। तो इस तरह जो श्रीमद् भागवतम के अंदर भगवान के दिव्य लीलाओं का अलग अलग वर्णन होता है, प्रहलाद महाराज का वर्णन होता है, लेकिन इसके लिए जो है हमें ये जो है निर्देश मिलता है, संदेश मिलता है कि इसके लिए भगवान की भक्ति प्राप्त करने के लिए हमें चेतो दर्पण मार्जनम जो है हमारे मन को जो है निर्मल करना पड़ेगा। फिर धीरे धीरे क्रमशः कनक कनक ते सौ गुणी मादकता अधिकार जेदे से जो है हम बढ़ते जाएंगे क्रमशः। तो प्रहलाद महाराज से इंस्पिरेशन देते हुए भगवान की भक्ति, भगवान प्रहलाद महाराज कहते हैं कौमार आचरण कौमार अवस्था में जो है भक्ति लता को आगे बढ़ाना चाहिए।
और फिर जो है आगे बता रहा था कि जिसने भगवान के चरण कमलों की शरण ले ली है वह अपने पूर्वजों ऋषियों मानव समाज सामान्य व्यक्ति या किसी जीव का ऋणी नहीं रह जाता। ऋणी मतलब डेप्टर। तो भी भगवान ने प्रहलाद महाराज को विधि विधान पालन करने की सलाह दी थी क्योंकि वे राजा बनने जा रहे थे, अन्य लोगों को उनका अनुसरण करना था। इसी तरह नरसिंह भगवान ने प्रहलाद महाराज को अपने राजपालिक कार्यों में व्यस्त होने की सलाह दी जिससे लोग भगवान के भक्त बन सके। तो ये कहा गया ना भगवत गीता का श्लोक जिसमें कहा गया कि यदाचरति श्रेष्ठस्तत्ते देवतरो जन स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। तो महापुरुष जो भी कर्म करता है सामान्य जन उसी का अनुसरण करते हैं और वह अपने आदर्श कार्यों से जो प्रमाण प्रस्तुत करता है सारा संसार उसी का अनुगमन करता है। भगवद गीता के तीसरे अध्याय के 21वें श्लोक में कहा गया है मनुष्य को किसी सांसारिक कार्य में आसक्त नहीं होना चाहिए, किंतु भक्त सामान्य जन को दिखाने के लिए आदर्श रूप में ऐसा कार्य कर सकता है जिससे वह वैदिक आदेशों से विपत न हो। और आगे जो है ये श्रीमद् भागवतम के 7वें स्कंध में से लिया गया है ये नरेशन। इसमें नारद मुनि भी कहते हैं कि भगवान की आज्ञानुसार प्रहलाद महाराज ने अपने पिता की अन्येष्टि क्रिया संपन्न की और हे राजा युधिष्ठिर तब उसे हिरण्यकश्यपु के राज सिंहासन पर ब्राह्मणों के निर्देश अनुसार बैठाया गया। इस तरह जो है वर्णन आता है विशेषकर प्रहलाद महाराज का जिसमें कहा गया था कि भाई प्रीति को यह आश्वासन दिया गया था कि तुम्हारा पौत्र जो है श्री भगवान के अंतर और बाह्य को देखने में समर्थ होगा। और जैसे लक्ष्मी माता जी का वर्णन है जिनकी पत्नी सौंदर्य मंडिता सौभाग्य देवी श्री लक्ष्मी है वे अपने भक्त द्वारा अभिप्रेत स्वरूप ग्रहण कर लेने में समर्थ है और उनका मुखमंडल सदैव कुंडलों से बड़ी सुंदरता से अलंकृत रहता है। इस तरह आज के श्लोक में विशेष वर्णन किया गया है जिसमें भगवान के विभिन्न अवतारों का वर्णन है। और ये मुझे एक अवसर मिला कि मैं भी एक श्लोक आपके सामने प्रस्तुत कर पाया। मत्स्यम कुर्म मुराहम शुभाम नंजनादनम गोविंदम पुंडरीकाक्षम माधवम मधुसूदनम पद्मनाभम सहतरक्षम नमालिंगायुधम गोवर्धनम श्रीकेशम वैकुंठम पुरुषोत्तमम विश्वरूपम वासुदेवम रामम नारायणम हरिं दामोदरम श्रीधरं च वेदांग गरुड़ध्वजम अनंत कृष्ण गोपालम गोपनाथ। तो ये जो है भगवान के दिव्य जो है नाम अलग अलग है नाम है और हमें जो है ये भी स्मृति आती है कि भगवान की कितनी विशेष कृपा है कि भाई वो अपने दिव्य नामों का अपने शरीर वैष्णव भक्तों को अपने शरीर पर अलंकृत करने के लिए ओम केशवाय नमः ओम नारायण नमः ओम माधवाय नमः तो विभिन्न बारह जो श्लोकों का वर्णन होता है तो अलंकृत करने के बाद अपने जो है वो साधन भक्ति में आगे बढ़ते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे गोपी मनोप्रभु की जय। गोपी मनोप्रभु जी हरे कृष्णा धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी बहुत बहुत धन्यवाद बहुत अच्छा लगा आपसे आज का श्लोक सुन के। आपने इतने सारे श्लोक कोट किए एकदम वो क्या कहते हैं हमारे जो विवाह कराने वाले पुजारी कैसे आके फटाफट फटाफट मंत्र बोलते जाते हैं वैसे आपने इतने सारे श्लोक सुन यार कुछ भी अगर किसी को कोई प्रश्न है तो हम लोग लेते हैं कोई भी टिका टिप्पणी है हमारे आज के एडिशनल स्पीकर्स हैं तो स्टार्ट रेजिंग हैंड। हरे कृष्णा लगता है कोई नहीं है
बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। और जैसे कृष्णा प्रभु आपने कहा कि हरे कृष्णा, यस भक्ति सिद्धांत प्रभु, हरे कृष्ण बोल। सॉरी शुड आई से और प्रभु यू आर सेइंग समथिंग? नो नो यू से आई विल डू इट इन द एंड। प्रभु जी हरे कृष्णा, वेरी नाइस टू सी यू आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। प्रभु जी एक क्वेश्चन था जी। आज जैसे आपने प्रभु इतने अच्छे श्लोक कोट किए जिसमें लक्ष्मी जी का नाम आता है, तो हमको तो जैसे सिखाया प्रभुपाद जी ने कि लक्ष्मी नारायण जी की पूजा करनी चाहिए, लेकिन जब प्रभु हम किसी के पास इनवाइटेड रहते हैं तो वो लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, तो उस समय उस दिन पर उस टाइम पर उनको कुछ बताना चाहिए या फ्यूचर के लिए कि वो नारायण को ऐड करें अपने लाइफ में, या कैसे उसको हम उनको हम बताएं कि यू नो इट इज इम्पोर्टेंट दैट यू डोंट डू ओनली लक्ष्मी पूजा बट यू डू लक्ष्मी नारायण पूजा। हरे कृष्णा, थैंक यू। भक्ति सिद्धांत प्रभु की जय। भक्ति सिद्धांत प्रभु जी हैं जो हमें जो है इस्कॉन से जिन्होंने हमें अवगत कराया था। मुझे याद है पहले पहले मैं भक्ति सिद्धांत प्रभु के बारे में थोड़े दो शब्द बोल दूं। जब मैं इस्कॉन में नहीं आया था दुबई में दामोदर देश में, भगवान की मेरे पर अनंत कृपा हुई। जब मैं अपना व्यापार करने के लिए आबू धाबी अलैन जाता था सुबह सुबह 7 बजे, तो हमारे दामोदर देश में दुबई में गुरुद्वारा हुआ है, गुरुद्वारे में दर्शन करने के बाद ही मैं अपना प्रस्थान करता था जाने के लिए। तो वहां पर मैंने देखा कि वहां पर स्टॉल लगा है, बुक स्टॉल, जहां पर भक्ति सिद्धांत प्रभु और नित्यानंद प्रभु जो है एक दूसरे को प्रभु प्रभु जो है एड्रेस करते हुए बात कर रहे हैं। प्रभु वो पुस्तक लीजिए, वो पुस्तक भी प्रभु सामने कस्टमर है, ये इस तरह जो उनका जो जो वार्तालाप था वो मुझे इतना अच्छा लगा। और इनके माध्यम से जो है मैं दिव्य जो है अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के अंदर जो है सम्मिलित हुआ। तो सबसे पहले जो मैं आपको प्रणाम करता हूँ बबुल जी, और आपका जो ये क्वेश्चन था बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये सबके लिए ये मान्यता रखता है जो कि वहाँ लक्ष्मी पूजा सब जगह होती है। तो शिला प्रभुपाद का कहना है कि भाई इंटर एज ए निडल एंड कम आउट एज ए प्लॉ। तो आप जो है लक्ष्मी माता जी की पूजा कराइए और अपने माध्यम से जरूर भगवान नारायण का लक्ष्मीकांत का जरूर जरूर जो है इंट्रोडक्शन होना चाहिए। क्योंकि जैसे हमारे आचार्य बताते हैं कि भाई भगवान कृष्ण का जो है भगवान नारायण का लक्ष्मी नारायण का भजन कीर्तन और प्राथमिकता होती है, तभी जो है वो आगे जाके हमें जो है ये लक्ष्मी माता की कृपा प्राप्त होती है। तो ये जरूर माध्यम होना चाहिए। थैंक यू प्रभु, हरे कृष्णा, हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद। हरे कृष्णा, थैंक यू भक्ति श्रीधाम प्रभु जी, थैंक यू श्रीधाम श्याम प्रभु जी। तो फॉर्चुनेटली कहें कि आज लक्ष्मी माता का वर्णन दिवाली के दिन ही जो है आ गया है। जैसे अगर वैष्णव कैलेंडर से देखा जाए तो अपना जो वैष्णव कैलेंडर के हिसाब से अपना दिवाली कल है और टुमारो, बट वी कैन सेलिब्रेट बोथ। भगवान कृष्ण को हम लोग आज और कल लक्ष्मी माता के साथ हम लोग उनका पूजा कर सकते हैं। एंड जैसे भक्ति सिद्धांत प्रभु ने बहुत अच्छा पॉइंट लिया है कि नॉर्मली जो लोग हैं वो सिर्फ लक्ष्मी का ही पूजा करते हैं, नारायण को भूल जाते हैं, विच इज रॉन्ग। एंड जैसे प्रभुपाद जी भी बोलते हैं, हमारे कई आचार्य भी बोलते हैं कि अगर नॉर्मली भी अगर हम देखें, अगर किसी को इनवाइट करना है हम लोगों को, तो हम सिर्फ जो किसी स्त्री को इनवाइट नहीं करते, वो अकेले कभी नहीं आए, तो हम क्या करते हैं हम उनके हस्बैंड को इनवाइट करते हैं, तो ऑटोमेटिकली वो अपने आप आएंगे। तो ऐसा नहीं है कि कृष्ण भक्त को अलग से लक्ष्मी माता का को इनवाइट करने के लिए पूजा करना पड़ेगा। तो हम लोग ऑलरेडी कृष्ण के भक्त हैं, तो
लक्ष्मी माता उनके साथ में हमेशा रहती हैं, शी इज ऑलवेज देयर। यत्र योगेश्वर कृष्ण तत्र पार्थ धनुर तत्र श्री विजय श्रुति ध्रुव नितिर्मतिर्मम। तो जहाँ पे भगवान कृष्ण है तो नीति श्री यानी लक्ष्मी जी ये सब ऑटोमेटिकली होते हैं, हम लोग को अलग से करने की जरूरत नहीं। ये लोग तो साल में एक बार करते हैं, हम लोग तो सुबह शाम हम लोग भगवान कृष्ण का, तो ऑटोमेटिकली शी इज प्लीज्ड विद अस एंड शी विल बी हैप्पी। तो बट या जैसे प्रभु ने कहा, हम लोग को दूसरों को बताना चाहिए कि सिर्फ लक्ष्मी को इनवाइट मत करो, क्योंकि मुझे याद आता है जैसे सार्वभौम प्रभु जी कहते हैं कि लक्ष्मी माता जब अकेली आती है तो उल्लू पे आती है वो, और सबको उल्लू बना के जाती है। लेकिन जब भगवान को नारायण के साथ आती है तो शी कम्स ऑन विद हिम ऑन गरुड़ा, तो और उसके साथ ब्लेसिंग्स रहेगा। और लक्ष्मी जो है, लक्ष्मी का एक दूसरा नाम जस्ट वांटेड टू ऐड वन मोर पॉइंट की लक्ष्मी का एक नाम है चंचला। तो आप अकेले बुलाएंगे तो अगर आ भी गई बड़ी मुश्किल से तो वो टिकने वाली नहीं है, कितने दिन कितने महीने भी डोंट नो। सो जस्ट कीप वर्शिपिंग लॉर्ड नारायण कृष्णा एंड शी विल ऑलवेज बी हैप्पी विद अस। तो थैंक यू प्रभु, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने आए, थैंक यू फॉर दैट। और हम लोग रुकते हैं, श्री राम श्याम प्रभु जी बहुत बहुत धन्यवाद। That was a very nice point. I've never heard this from Sarvabhauma Prabhu, but this Ullu is a very good one. So, very nice to say. Hare Krishna. Yeah. Because, जैसे सबका वाहन है, ब्रह्मा जी का वाहन हंस है, नारायण का वाहन गरुड़ है, शिव जी का नंदी है, तो उनका वाहन जो लक्ष्मी का वाहन उल्लू है वो। तो जब अकेले आती है तो फिर उल्लू पे आती है, सर बाबू जी बोलते हैं भाई उल्लू पे आती है और सबको उल्लू बना के जाती है। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। श्री भक्ति सिद्धांत प्रभु की आवाज काफी थाने के बाद जो है सुनने को मिली, इसके लिए विशेष कर मैं गोपी मरु प्रभु को धन्यवाद दूंगा कि भाई उनका दर्शन भी करते हैं हम लोग बॉम्बे में। अच्छा 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 कुछ भी नहीं है, आई थिंक वो अपने ऐप को परमिशन नहीं दिया है प्रभु आपने, सॉरी प्रभु नहीं हो रहा है। नहीं नहीं, एक काम करिए उसको अनइंस्टॉल कीजिए एक बार, और रीइंस्टॉल करेंगे देन स्टार्ट गिविंग एक्सेस टू माइक टू कैमरा, आई थिंक देन वी विल बी एबल टू डू इट। ठीक है, नहीं चलो हम फिर वापस प्रभु जी का दर्शन कर लेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद श्री राम श्याम प्रभु जी, हरे कृष्णा, ऐसे ही आते रहिए। हरे कृष्णा वंशा कल्पत गुरु वैश्य कृपा सिंधु कृपा नाम पावन वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, स्कंद गुरु वृंद की जय, सभी एकत्रित भक्त वृंद की जय। थैंक यू प्रभु, हरे कृष्णा, माता जी को भी प्रणाम करेगा। Yeah.